हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2019 और ये हमारी 190वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताती हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन कितने समय को बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 6 महीने के लिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया है। राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक बढ़ाया गया है। दोस्तों आपको बता दें 2 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब 3 जुलाई से फिर से राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आपको बता दें ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया है, तो जून 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी सरकार गिर गई। इसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ था। 1996 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दोस्तों अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो आपको मैप में जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें। मैप में ये जगह जम्मू कश्मीर को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर भारत वर्ष में 26 अक्टूबर 1947 में शामिल किया गया था। इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए 2019 खरीफ सीजन के लिए निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। इस योजना को भारत की कृषि बीमा योजना के साथ मिलाकर लॉन्च किया गया है। इस योजना को बांग्ला शास्य बीमा नाम दिया गया है। दोस्तों इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के 15 जिलों के किसानों को मिलेगा। दोस्तों अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आपको मैप में पश्चिम बंगाल के बारे में बता दें। मैप में ये जगह पश्चिम बंगाल को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल की राज स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे धार जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह सोलंकी। हाल ही में शैलेंद्र सिंह सोलंकी को धार जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में बता दें तो कमलेश भार्गव, इन्हें हाल ही में जिला पंचायत नरसिंहपुर बनाया गया है। दोस्तों सपना अनुराग जैन, इन्हें हाल ही में अपर संचालक NHDC इंदौर में बनाया गया है। वहीं बात करें शिवानी वर्मा की, तो दोस्तों इन्हें हाल ही में CEO जिला पंचायत शाजापुर बनाया गया है। दोस्तों अब बात आई है धार जिले की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट धार जिले के बारे में बता दें। प्राचीन काल में धार नगरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मध्य भारत के सोमनाथ के नाम से भी राजा भोज ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। भील और भीलाला इस जिले की प्रमुख जनजातियां हैं। दोस्तों भोजशाला संस्कृत अध्ययन हेतु राजा भोज द्वारा स्थापित की गई थी, यह धार जिले में ही स्थित है। फड़के स्टूडियो रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य जिसमें खरमोर पक्षी के लिए अभ्यारण है, यह धार जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें धार की कुक्षी तहसील में 9 पर्वतीय गुफाएं स्थित हैं, तो ये भी धार जिले में ही स्थित है।
दोस्तों पीथमपुर, जिसे भारत का डेटवाई कहा जाता है, यह भी धार जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको धार के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद एयरपोर्ट पर। हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट पर फेस डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है। दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए फेस डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार की डिग्री यात्रा प्रोग्राम के तहत पायलट के तौर पर लॉन्च हुआ है। इसे 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। दोस्तों इसके लिए 180 यात्रियों ने अपना वॉलेंटियर के तौर पर दस्तावेज दर्ज कराए हैं। तो आपको याद रखना है फेस डिटेक्शन या फेस रिकॉग्निशन एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण लागू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण लागू किया गया है। दोस्तों सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में यह आदेश जारी किए हैं। दोस्तों आपको बता दें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इसमें जगह नहीं दी गई है। दोस्तों आपको बता दें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश में पहले भी ये लागू किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद पुनः कुछ संशोधन के बाद यह आरक्षण लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व 3 माह के लिए बंद किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को 3 माह के लिए बंद किया गया है। दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए अब 3 माह तक बंद रहेगा। दोस्तों अब बाघों के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोगों को 1 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही यह टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। दोस्तों अब बात आई है पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों इसका जो स्थापना है वह 1981 में की गई थी। इसका एरिया 542.6 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपको बता दें टाइगर प्रोजेक्ट 1994-95 में शामिल किया गया था इस टाइगर रिजर्व को। तो इतना आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कौन सा वायुसेना युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गरुण। हाल ही में गरुण युद्ध अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों आपको बता दें गरुण का यह 6वां संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस के मोंट डी मर्सन में किया जा रहा है। दोस्तों इस अभ्यास के पिछले संस्करण का आयोजन जून 2014 में राजस्थान में किया गया था। दोस्तों इस वर्ष इसका यह 6वां संस्करण है। दोस्तों आपको गरुण के बारे में बता दें इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारत और फ्रांस के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों अब बात आई है फ्रांस की, तो आपको फ्रांस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रोन। दोस्तों आपको बता दें फ्रांस की करेंसी यूरो और फ्रैंक है। तो इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वैभव यादव। हाल ही में वैभव यादव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जीता है। दोस्तों आपको बता दें वैभव यादव भारत के पेशेवर मुक्केबाज हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन हाल ही में ये बने हैं। इन्हें थाईलैंड में
पटाया में मुकाबले जीतकर यह खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने थाईलैंड के फह पेच को हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों आपको बता दें, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के बारे में, तो यह एक मुक्केबाजी संगठन है जो ग्रेटर एशियन क्षेत्र में खिताबी मुकाबलों को मंजूरी प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय थाईलैंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है, एशिया बॉक्सिंग काउंसिल हाल ही में वैभव यादव ने जीता है, जो एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मनोज कुमार। हाल ही में मनोज कुमार को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों मनोज कुमार, इनका पूरा नाम मनोज कुमार नामवियार है। इन्हें हाल ही में MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क क्या है, आपको इसके बारे में जरूर बता दें। दोस्तों इसकी स्थापना 2009 में आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 के तहत की गई थी। यह भारत में सूक्ष्म वित्त सेक्टर का एक संघ है। इसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इसमें सदस्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों से बोर्ड मेंबर चुने जाते हैं। 33% बोर्ड मेंबर स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में 56 गैर मेंबर वित्तीय संस्थान सूक्ष्म वित्त संस्थान इसके सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1996 में। 1996 में देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बता दें, इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों के लिए यह देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, तो 1997 में यानी 1997 में किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की गई थी। 1992 में दोस्तों इसमें शरद जोशी सम्मान की स्थापना की गई थी और 1992 में ही कुमार गंधर्व सम्मान की भी स्थापना की गई थी। तो इन सभी सम्मानों के बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केंद्रीय संग्रहालय। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर में की गई है। दोस्तों आपको बता दें, ग्वालियर के गुजरी महल में 1909 में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर में की गई थी। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और संग्रहालय दिख रहे होंगे, उनके बारे में बता दें, तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना भोपाल में 1887 में की गई थी। रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना जबलपुर में 1975 में की गई थी। वहीं रामायण कला संग्रहालय की स्थापना ओरछा में की गई है, ओरछा जो अब निमाड़ी जिले में आता है। तो इतना आपको इन संग्रहालयों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ये चारों हैं, मखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, नरेंद्र तिवारी सम्मान, राजेंद्र माथुर सम्मान और तरुण कुमार भादुड़ी सम्मान। ये सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा रामेश्वर गुरु पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, यह सम्मान भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जगत पाठक, जो स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है, यह भी पत्रकारिता के रूप पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ वॉटनेस्ट अकीरा मियावा की तकनीक अपनाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन था सागर में। दोस्तों सागर जिले में वॉटनेस्ट अकीरा मियावा की तकनीक अपनाई गई है, जो जापान की एक तकनीक है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार। तो
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।